स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए वीडियो डालने में लेट हो जाता है, दो चार दिन हो जाता है, तो आप लोग समझिए कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे तबीयत खराब हो गया था, 7 दिन 8 दिन हो गया वीडियो डालते हुए। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस रूट अंडर x इक्वल टू 19 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन देकर ही बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको विस्तार से बनाएंगे, बेसिक रूप से बनाएंगे, तो इसमें बहुत समय लगेगा और प्रतियोगिता परीक्षा में समय बहुत कम रहता है, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो देखिए हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए 80 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, 81 रहता तो निकल जाता, तो ये तो ऑप्शन बन गए। 72 का भी नहीं निकले, ठीक है, क्योंकि 68 64 रहता तो निकल जाता। देखिए 64 का निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 के बाद 9 का पढ़ते हैं तो 99 81 इसका भी नहीं मिलेगा, इसका निकल जाएगा और इसका निकल जाएगा, दोनों का निकल जाएगा। तो हम देखेंगे कि कौन सा इस पर सेटिंग कर रहा है। मान लीजिए कि हम 81 को रखते हैं, तो जब हम 81 यहाँ पर रखेंगे, एक्स के जगह 81 रखा प्लस, और यहाँ पर जब रूट के अंदर 81 रखेंगे तो देखिए 81 हुआ प्लस, 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 81 और 9 कितना होगा, 90, यानी कि बराबर 90 हमारा आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप 64 लिखते हैं तो 64 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 64 8 होगा नहीं, 90, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको विस्तार रूप से बनाना हो तो कैसे बनाए, उसका कंसेप्ट भी बता देते हैं। जिसे मान लीजिए कि है x प्लस रूट अंडर x इक्वल टू 90, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर x 90 इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस x। यहां पर हम रूट हटा देते हैं तो आप लोग पता होगा कि जब रूट हटता है तो आगे जा करके स्क्वायर हो जाता है, हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि 9 का 90 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 99 81, यानी 8100 माइनस 2ab यानी कि 9 × 2 = 18x 180x हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर कर देते हैं तो 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, माइनस, जब ये उधर जाएगा तो क्या जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 181x, और इधर ही है तो इसको हो जाएगा 8100, ठीक है। तो 0 को उधर लिख देते हैं और उसको इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 181x प्लस 8100। अब हम इसको गुणनखंड पर बनाएंगे, तो गुणनखंड पर बनाएंगे तो देखिए कितना समय लगता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणनखंड करेंगे तो 81 आना चाहिए, ठीक है, गुणा करने पर 81 और यहाँ पर प्लस आया, यानी कि जोड़ने पर 181 आना चाहिए। तो सीधा दिखाई दे रहा है 81 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8100, और जब 81 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 181, क्लियर है, आराम से लिख सकते हैं 81x माइनस 100x प्लस 8100। x कॉमन हो गया, x माइनस 81 माइनस 100 कॉमन हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 81, ठीक है। गुणनखंड आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग पता होगा, अगर नहीं जानते होंगे बनाने के लिए तो इसका वीडियो भी हम बना दिए हैं,
वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लिंक का मिलेगा, पूरा वीडियो ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 और एक हो जाएगा 81, तो दोनों में से देखेंगे कौन है तो 81 है, तो 81 को करेंगे। तो अगर हम विस्तार रूप से बनाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से है, यहाँ पर रूट अंडर एक्स का मान निकालना है और यहाँ पर माइनस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 100 रखेंगे और 81 रखेंगे और 9 रखेंगे, 9 भी रखेंगे तो 9 तो बिल्कुल छोटा अंक हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 यहाँ होगा और यहाँ पर 9 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 9 में थोड़े होगा, ठीक है। अगर हम 100 रखते हैं तो यहाँ पर 100 रखेंगे तो इसका हो जाएगा 10, 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल 10 होगा, और यहाँ पर 100 रखेंगे तो 100 होगा, 100 में से 10 गया क्या होगा 90, यानी कि 100 रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x बराबर 100, x बराबर 100 हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, रूट अंडर का, ठीक है। तो अगर हम इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इस पर भी रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब इस पर भी रूट चढ़ाएंगे तो रूट x का मान निकालना है, तो अब इस रूट 100 का जो वर्गमूल हो जाएगा क्या हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए है, ठीक है। अरे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल पहला क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग इसको बना कर लाइएगा, इसको हम एच डब्ल्यू के रूप में आप लोगों को दे देता हूं, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। और कोई कोई विद्यार्थी होता है कि इसको बनाने की कोशिश नहीं करता है और दूसरे को कमेंट में देखकर ये देख लेता है कितना आंसर ये लाया है और उसको वही आंसर लेकर भेज देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, ठीक है। तो अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर के आपको मैथ समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।